गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, आज हमने हमारा जो एक्सरसाइज 15 स्टार्ट कर रखा है डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 15B स्टार्ट करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 15A तक उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो देखिए, इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग। अब तक हमने क्या फाइंड किया था, मीन फाइंड किया था हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर, और इस एक्सरसाइज के अंदर हमें मीडियन फाइंड करना है भी किसी भी डाटा का मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसके भी देखो, एक तो होता है लॉन्ग मेथड, वो आपको 8th क्लास में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पर इसके अंदर जो बेसिक फॉर्मूला होगा मीडियन फाइंड करने का वो क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डाटा गिवन है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब हम ये काम कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इवन है या ओड है। मतलब जैसे ओड आपको पता है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये सभी जो है ये ओड नंबर्स होते हैं, और इवन के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, इस तरह से टर्म्स आते हैं। तो जब ओड हो, जब हमारे पास नंबर ऑफ डाटा के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो क्या हो, ओड हो, तो आपको बिल्कुल इजी है। क्या करना है, जो मिडल वैल्यू होती है, बीच वाली वैल्यू, आधे इधर छोड़ दो आधे उधर छोड़ दो, बीच वाली जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। और यदि इवन है तो इवन के अंदर हमें क्या करना होगा, इवन के अंदर मिडल में बिल्कुल बीच में तो कोई नहीं बचेगी, तो मिडल वाली हमें दो वैल्यूज सिलेक्ट करनी है, जो बीच में दो वैल्यू रह जाती हैं, फिर उन दोनों को प्लस करके क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो हमें मीडियन मिल जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर 2, 3, 5, 7, 9 ऑलरेडी अरेंज्ड हैं ये, तो ऑलरेडी अरेंज हैं, तो इसके अंदर जो मिडल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ हम लिख लेते हैं मिडल वैल्यू इज 5। बस ये ध्यान रखना, मिडल वैल्यू तब फाइंड करने जब वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो इसलिए जो मीडियन होगा फर्स्ट क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये भी ऑलरेडी अरेंज्ड है, किसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर में, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। अब इसको काउंट करके देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन है, तो इवन है तो बीच वाली दो लेनी है हमें, 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से लास्ट से छोड़ दो, बीच में ये दो रह गई हैं 16 और 20, तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर मिडल वैल्यूज आर 16 एंड 20। तो मीडियन क्या होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 16 और 20 को ऐड कर देंगे, और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये काम कब करना है, जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तब। तो ये 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका मीडियन क्या होगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो अरेंज्ड नहीं है, तो क्या करेंगे हम, फर्स्टली वी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, देखिए 33, फिर 33 के बाद क्या नंबर आता है, 44, फिर 44 के बाद क्या है, 48 के बाद किसका नंबर आएगा, 51 का, 51 के बाद किसका नंबर आ जाएगा, 60 का, और 60 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 61, और 61 के बाद क्या आ जाएगा, 63। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके अंदर जो मिडल वैल्यू है हमें वो देखनी है, मिडल वैल्यू जो है वो है हमारे पास 51, तो मीडियन किसके इक्वल हो जाएगा, मिडल वैल्यू के 51 के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखिए क्या है, इसमें भी हमें क्या करना है, अरेंज करना है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए 8 से स्मॉलर कोई नहीं है, तो सबसे पहले हम किसको लिख लेंगे, 8 को लिखेंगे, 8 के बाद है हमारे पास 10, 9 इसके अंदर नहीं है तो 10 लिख लेंगे, फिर 10 के बाद देखिए क्या आ रहा है, 11, तो 11 लिख लेते हैं, 11 के बाद 12 नहीं है, 13, तो 13 लिख लेते हैं, 13 के बाद देखिए आपके पास यहाँ 16 है तो 16 लिखेंगे, 16 के बाद 17 है तो 17 लिखेंगे, 17 के बाद 19 है तो 19 लिख लेंगे,
और फिर यहाँ 19 के बाद जो ग्रेटर नंबर होगा वो 22 है, फिर 22 के बाद 25 है और 25 के बाद लास्ट में क्या है 31। तो ये इस तरह से हमारी सभी हमने जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन थी उसको अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो इवन है, तो इसके अंदर मिडल दो वैल्यू लेनी है हमें, 1, 2, 3, 4, तो ये वाली फिफ्थ वाली और सिक्स्थ वाली। तो मिडल हियर देर आर टू मिडल वैल्यूज विच आर 16 एंड 17। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे हम इसका, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड। तो दोनों को ऐड कर देते हैं 33 अपॉन में 2, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 16 और 17 को जब ऐड करेंगे 33 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16.5। तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा 16.5। तो इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है स्टेटमेंट। 15 स्टूडेंट्स सेकर्ड द फ्लोइंग मार्क्स इन ए टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है वैसे ही, उसके अंदर 15 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और हमें उन मार्क्स का मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको अरेंज करेंगे किसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है 13, 13 से स्मॉलेस्ट 11, 11 से स्मॉलेस्ट 10। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 10 और यहाँ पे टिक भी लगाते चलो 10 के बाद 11, 11 देखो एक ही बार है या और ज़्यादा बार है तो उतनी बार ही आपको लिखना पड़ेगा। 11 के बाद 12 नहीं है, देखिए 13 है, एक बार फिर भी देख लीजिए 13 के बाद 17 है, 17 से पहले क्या है कोई नहीं है, तो 17 यहाँ देख सकते हो आप दो बार है, एक बीच में है एक लास्ट में है, तो 17 को हमें दो बार लिखना होगा। 17 के बाद फिर हमारे पास क्या आता है 18, तो यहाँ 18 लिख लेंगे। 18 के बाद 19 ये रहा, और देख लीजिए कहीं 19 तो नहीं है, 19 नहीं है। फिर इसके बाद 20 है, तो 20 भी हमारे पास आ चुका है पहले, यहाँ 20 आने के बाद 21 नहीं है, 22 देख लीजिए नहीं है, 23 है हमारे पास तो यहाँ 23 लिख लेंगे। फिर देखिए 24 नहीं है, 24 के बाद सीधा ही क्या है 25 है, तो 25 के बाद 29 से पहले 28 है, तो देखो 28 एक बार है, फिर 29 दो बार है, 29 एक ये रहा ठीक है। 29 के बाद फिर आता है नंबर 30 का, तो 30 भी हम इसके अंदर लिख लेते हैं। 30 के बाद जो है लास्ट में क्या रहेगा 35। तो अब आप इसको काउंट करके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 15 ही थी। तो इसके अंदर जो मिडल वैल्यू है अब अरेंज करने के बाद इसकी मिडल वैल्यू देखनी है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ छोड़ दो, 7 लास्ट में छोड़ दो, तो बीच में क्या रह जाएगा 20, तो मिडल वैल्यू हो जाएगी 20। तो इसलिए जो मीडियन होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, मीडियन मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे 20 मार्क्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है और सेवन दोनों एमसीक्यूज हैं। द मीडियन ऑफ द नंबर्स, देखो ये आपके पास नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स का आपको मीडियन बताने क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे किसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसके अंदर 64, 64 के बाद क्या है 78, 78 के बाद किसका नंबर आएगा 85 का, 85 के बाद 86 का और 86 के बाद किसका नंबर आ जाएगा 89 का। तो ये 5 ऑब्जर्वेशंस थी जिसको हमने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब आपको पता है ये 5 है तो इसके अंदर जो मिडल वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, इसकी मीडियन हो जाएगी। तो यहाँ मिडल वैल्यू क्या, देखो दो इधर छोड़ दो, दो इधर, तो बीच में जो है 85 है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा 85। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में देखिए क्या गिवन है, द मार्क्स स्कोर्ड बाई 10 स्टूडेंट्स आर दिस। ये हमें मार्क्स गिवन है, 10 स्टूडेंट्स ने ये ऑब्टेन किए हैं, तो हमें मीडियन मार्क्स निकालना है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, अरेंज करना होगा इन ऑब्जर्वेशंस को किसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखो क्या है 2, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2, 2 के बाद किसका नंबर आएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, ये भी देखते रहना कोई रिपीट ना हो, तो 2, 3 के बाद 4, तो 4 एक बार ही है। फिर इसके बाद नंबर आता है 5 का, तो 5 भी वन टाइम्स है, 5 के बाद 6 है, तो 6 यहाँ है हमारे पास। फिर इसके बाद 7 है, देखो 6 यहाँ लिख लेते हैं, 7 यहाँ पे है, 7 के बाद है 8, 8 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, दो बार है 8,
फिर 8 के बाद 9, 9 एक और एक दो, तो दो बार 9 है। अब देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑब्जर्वेशंस हो चुकी हैं। तो जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तब हमें मिडल में दो वैल्यूज़ देखनी है। देखो 4 इधर छोड़ देते हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ और 4 यहाँ से छोड़ देते हैं, तो बीच में जो मिडल वैल्यू दो रहेंगी हमारे पास 6 और 7, तो हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मिडल वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है, तो 6 के अंदर 7 को ऐड कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे जब तो क्या आएगा, 6.5। तो इसका जो मीडियन होगा वो होगा 6.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, अब देखिए बेटा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 होट्स। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा बेटा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ। देखिए आपको मीडियन फाइंड करना है 46, 64, 88, 40, x, 76, 35, 91, 56, 32 एंड 91 का। वो मीडियन भी हमें फाइंड नहीं करना, गिवन ही है मीडियन तो 58 है। तो आपको बताना है कि वैल्यू क्या होगी, किसकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, ये क्वेश्चन या तो ऐसे होता कि यदि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके बीच में इसको अरेंज कर रखा होता, किसके अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के, और उसके बीच में से हमें यदि फाइंड करना होता तो हम उसको फाइंड कर सकते थे। पर हमें ये नहीं पता कि एक्स को कहाँ पे अरेंज किया जाए, एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है जिससे कि उसको हम अरेंज करें। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर जो मीडियन है 58 ही गिवन है और एक्स की भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी होगी, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं एक बार असेंडिंग ऑर्डर में, इन वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए 46 से स्मॉलर क्या है, 40, 40 से स्मॉलर है 35, 35 से स्मॉलर है 32, तो पहले लिख लेते हैं हम 32, फिर 32 के बाद किसका नंबर आ जाएगा 35 का, 35 के बाद देखिए कौन है ग्रेटर, 35 के बाद 40, 40 के बाद नंबर आता है हमारा 46 का, और 46 के बाद 56, और 56 के बाद जो नंबर है हम 58 ले लेते हैं। पर मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे क्यों लेंगे हम 58, पर यहाँ पे हम क्योंकि आंसर भी पीछे बुक के अंदर 58 ही गिवन है, तो हम यहाँ पे मान लो 58 लेते हैं, या फिर यहाँ इसके प्लेस पे हम क्या लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं एक बार। तो 58 के बाद देखिए नंबर क्या आएगा, 6 की फॉर्म में 64, और 64 के बाद जो नंबर है हमारे पास 76, और 76 के बाद नंबर है 88, और 88 के बाद जो नंबर आएगा वो होगा हमारा 9 वाली रो में तो 91, और 91 कितनी बार है, दो बार है। तो यहाँ देखो ये 91 कितनी बार है, दो बार, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस थी। तो देखो अब हमने इसको अरेंज तो कर लिया है, एक बात आपने ध्यान रखना है जो मीडियन 58 है वो हमारा बीच में आता होता है, तो इसका मतलब मिडल वैल्यू के प्लेस पे हम किसको लेंगे, वह या तो एक्स को लेंगे, एक्स को हम ले नहीं सकते क्योंकि एक्स अननोन वैल्यू है, तो हम ऐसा करते हैं कि मीडियन 58 है तो 58 को ही मिडल वैल्यू पे लेंगे। तो अब बाकी सभी वैल्यूज़ को हमने अरेंज कर दिया, तो बाकी जो वैल्यू रह गई है वो क्या रह गई है, एक्स, और वो किसके इक्वल है, मीडियन के ही इक्वल होगा, तो इसलिए एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 58। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।